Ladies and gentlemen, let us put our virtual hands together and welcome Mr. Manish Rao, the CEO of RPS Group of Schools. Let us all put our virtual hands together. Manish, okay. Welcome to the interactive forum. Thank you. Okay. Yes, let us all put our hands together and welcome Manish ji. I think he's traveling somewhere. Hello. Hello. हेलो आवाज आ रही है मैडम सुन पा रही हूं हां जी मनीष जी इफ यू कैन पुट ऑन योर वीडियो आल्सो देन वी आर ऑल वेलकमिंग यू विद अ वर्चुअल क्लैप थैंक यू मैडम थैंक यू एंड दिस बुके ऑफ फ्लावर्स दैट इज फॉर आवर रिस्पेक्टेड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ आरपीएस स्कूल डॉक्टर ओपी यादव एंड फॉर यू इफ यू कैन एक्सेप्ट दैट वर्चुअल बुके व्हिच इज हियर सो ओवर टू यू श्री मनीष जी And the parents are all waiting eagerly to hear what you want to say to them. Just a minute, madam. Just a minute. Thoda sa camera. Yeah. Haan, yeah. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. पहले तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करनाल में हम लोगों का अभिनंदन किया है स्वागत किया है वेलकम किया है एक अच्छा स्कूल एक अच्छा टीचर वो कहते हैं लाइफ में बड़े लक से मिलते हैं और मैं आप लोगों को 10 से 12 मिनट तक एक बार अपने पीछे की हिस्ट्री बताना चाहूंगा आप सब लोगों को आरपीएस स्कूल 98-99 में स्टार्ट हुआ महेंद्रगढ़ से और उस समय रिसोर्सेज भी कम होते थे हरियाणा में लास्ट कॉर्नर पर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के बिल्कुल टच में है आप लोगों ने सुना होगा कईयों ने देखा भी होगा और सच्चाई तो ये कि बैकवर्ड इलाका भी हमारा उस समय रहता था पेरेंट्स ने मेहनत की टीचर्स ने मेहनत की बच्चों ने मेहनत की देखते 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 वो इलाका जो है वो खुशहाल होने लगा तरक्की करने लगा और आप लोगों को ये जानकर बड़ा गर्व होगा बड़ा घमंड भी होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में और अमर उजाला में 2010 में एक न्यूज लगी थी और उसमें ये दिखाया गया था कि हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में फर्स्ट नंबर पर है तो पूरे हरियाणा के लिए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े गर्व की बात थी वो पिछले 10, 12, 15 सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से वो इलाका पढ़ाई में हर रोज कुछ ना कुछ नया कर रहा है और आगे बढ़ रहा है मैं अभी रिसेंटली 2-3 रिजल्ट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आए अभी मेडिकल का रिजल्ट आया उसमें अपने पूरे ग्रुप से लगभग 80 स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने जा रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है उनकी सेकंड काउंसलिंग चल रही है उसमें भी स्कोर जो है वो 696 साहिल बच्चे का था आउट ऑफ 720 नीट के एग्जाम में
696 आउट ऑफ 720 बायोलॉजी में उस बच्चे के फुल बाय फुल मार्क्स थे। उन बच्चों को लगातार हम लोगों ने लास्ट डे तक पढ़ाया। ऐसा नहीं था कि हमने उनको मार्च में छोड़ दिया, ऐसा नहीं था कि हमने मार्च के बाद उनको उनको मतलब देखा ही नहीं। लगातार उनके टच में हम लोग बने रहे, लगातार बने रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स तक हमने प्लस टू टेंथ और नीट और मेडिकल के बच्चों को, आईआईटी के बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया। और उसका नतीजा है कि कई बार तो लोगों ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों का लॉस हुआ। अगर आप मेरे से पूछें, मैं अपनी बात बताऊं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत फायदा उठाया। और आज तक के इतिहास के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हमें इस बार देखने को मिले मेडिकल के एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में। बहुत बड़ी फिगर है ये, 8200 बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाना, एडमिशन हो जाना। 97, 98, 99 में हमने जर्नी स्टार्ट की महेंद्रगढ़ से, उसके बाद हमने 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया महेंद्रगढ़ में, डिग्री कॉलेज भी वहां पर हम चला रहे हैं। इस बार वहां पर वेटनरी कॉलेज भी आ गया है, VLDA और VS दोनों ही। उसके बाद 2012 में रेवाड़ी स्कूल बना, उसके बाद 2015 में धारवाड़ा स्कूल है, फिर नारनौल स्कूल बना, फिर बहरोड स्कूल बना, फिर गुरुग्राम में दो स्कूल्स हैं, सेक्टर 89 वाटिका के पास और एक सेक्टर 50 गुड अर्थ एक मॉल है उसके पास, हांसी, हिसार। और अब हम लोग आपके शहर में करनाल पहुंचे हैं। मैडम रूपा मैडम पिछले 2 सालों से लगी हुई हैं, अच्छा आउटपुट है। पेरेंट्स से भी हमने 1-to-1 कॉल करवाई तो हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, टीचर्स ने भी अच्छा काम किया है। अब हम लोग मिलके ना, वो कहते ना कि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं, वो सारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो और हम लोगों का एक्सपोजर है, वो मिलके ना हम करनाल को बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। NTSC का एक एग्जाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, 10th लेवल पे होता है। पहला ऐसा एग्जाम होता है जब बच्चा गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम देता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर बच्चा उसको क्रैक करता है तो PhD तक उसको स्कॉलरशिप मिलती है बच्चे को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। पिछले साल जिस बच्चे ने भी हिंदुस्तान टॉप किया मेडिकल और IIT में, टॉप 10 में जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे लगभग NTSC स्कॉलर्स थे। कहने का मतलब ये कि जब 10th में बच्चा NTSC के एग्जाम को क्रैक करता है तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो जबरदस्त आ जाता है और कॉन्फिडेंस का ही खेल होता है। आज आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे भास्कर में तो दिखा रखा था कि आने वाले टाइम में क्रिकेट में मेहनत के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है, आदमी को मन से स्ट्रोंग बनाना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में अभी ग्रैंड स्लैम हुआ था लॉन टेनिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में फाइनल में राफेल नडाल और मेदवेदेव दोनों आपस में आमने सामने थे। मेदवेदेव वो जीतने मतलब लास्ट मोमेंट था, फर्स्ट सेट भी जीता, सेकंड सेट भी जीता, लेकिन अगले तीनों सेट राफेल नडाल जीत गया। वहां पे वो स्ट्रोंग थे, मन से स्ट्रोंग थे, हार ना मानने वाली जीत थी। तो कहीं ना कहीं वो 10th लेवल पर बच्चों में अगर आ जाती है तो वो जिंदगी भर काम आती है। अब मैं आप लोगों के सामने डेटा बताऊंगा कि किस तरीके से सीटें हैं हरियाणा में, प्लीज ध्यान से सुने आप। ऑल ओवर हरियाणा 200 सीट्स हैं, उसमें आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है 72 सीट्स लेके ना पूरे हरियाणा में
सबसे आगे है 72, और 72 में से आरपीएस महेंद्रगढ़ 23 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी एक स्कूल से सिलेक्शन, एक बिल्डिंग से 23, नारनौल से 15, लगभग लगभग 50-60% सीटें आरपीएस की महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद रेवाड़ी चलते हैं, रेवाड़ी में 44 बच्चों का सिलेक्शन है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, और उसमें से 21 एक सिंगल आरपीएस रेवाड़ी से, 10 धारवाड़ा से और 6 आरपीएस कोसली से। आप सोच लो कि 44 में लगभग लगभग सारी सीटें आरपीएस की ही है। और अगर मैं टोटल सीट्स के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को शायद बड़ा गर्व होगा और घमंड भी होगा कि यार कमाल कर रहे हैं ये लोग। तो मैंने बताया आप लोगों से कि 200 सीट्स हैं, और 200 सीट्स में से 70 आरपीएस के नाम है, 70। अब आप लोग उत्सुक होंगे यार हमारे करनाल का क्या है, मैं वो भी बताना चाहूंगा। मैं सारे सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों का भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम सब अवेयर हैं तो देश अवेयर है। ये सारा एससीईआरटी के ऊपर रिजल्ट है, आप एससीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। अंबाला से केवल 2 सिलेक्शंस है, ओनली 2। भिवानी से 2, चरखी दादरी 1, फरीदाबाद 24, बहुत बड़ा फरीदाबाद, 50 लाख की आबादी वाला फरीदाबाद, वहां पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वहां पर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पर। और उसके बाद केवल 24 पूरे डिस्ट्रिक्ट से 24, और आरपीएस के एक स्कूल से, एक बिल्डिंग से 23। आप सोचिए। उसके बाद गुरुग्राम 14, केवल 14, उसमें एक आरपीएस का भी बच्चा है। मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, और ग्लोबल सिटी है हम कह सकते हैं, दिल्ली के बिल्कुल टच में है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन केवल 14 सिलेक्शंस है, और आरपीएस रेवाड़ी एक बिल्डिंग से 21 सिलेक्शंस है। वन स्कूल बनाम वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्कूल बनाम वन डिस्ट्रिक्ट, आप सोचिए। बहुत सालों की तपस्या है ये पेरेंट्स की, बहुत सालों की तपस्या है ये बच्चों की, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं। और आप बने रहे, अंबाला का, करनाल का भी नंबर आएगा। हिसार 3 एजुकेशन सिटी बोला जाता है, ओनली 3। झज्जर 15, जीन 0, कैथल 1, और अब बारी है करनाल की, 4। सारे डिस्ट्रिक्ट से 4, महेंद्रगढ़ 72, पंचकुला ओनली सिक्स पंचकुला, रेवाड़ी 44 जो मैंने बताया आपसे, सोनीपत 2 एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता था किसी जमाने में, और वहां से केवल 2 सिलेक्शंस हैं। अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच और जबरदस्त मेहनत, ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तब रिजल्ट्स आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, मैंने मेडिकल का बताया, मैंने एनटीएससी का बताया, मैं आईआईटी के बारे में बताना चाहूंगा। इस बार आईआईटी मेंस में आरपीएस ग्रुप से 441 बच्चों ने क्वालिफाई किया आईआईटी मेंस, और गुरुग्राम की बच्ची है प्रांजलि बिश्नोई, फर्स्ट बैच था गुरुग्राम में सेक्टर 50 में, उसका स्कोर 99.84 परसेंटाइल रहा उस बच्चे का, पहले बैच में, फर्स्ट बैच है गुरुग्राम में, थर्ड ईयर है गुरुग्राम में आरपीएस का, सेक्टर 89 और 50 दोनों स्कूलों का। और टोटल जो अगर हम लोग बात करें तो 441 की फिगर जो है वो इतनी बड़ी फिगर है शायद और शायद हिंदुस्तान में किसी ग्रुप की हो।
बहुत बड़े बड़े स्कूल्स चलते हैं, सब कंबाइंड करोगे तो 100 100+ स्कूल्स चले जाएंगे एक एक ग्रुप के, लेकिन 441 की फिगर नहीं मिलेगी आपको, एनटीएससी में 70 बच्चों की फिगर नहीं मिलेगी आपको, और एडवांस की बात करें तो 80 बच्चे 441 में से 80 स्टूडेंट्स ने आईआईटी एडवांस क्लियर किया। अब बात आती है कि एनडीए, हम हर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए जो फील्ड बना है हर उस फील्ड में हम जा रहे हैं जिस फील्ड में बच्चों को जाना चाहिए, एक भी फील्ड हमने छोड़ा नहीं है। एनडीए में 110 बच्चे 110 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है, जिसमें से 26 गर्ल्स हैं, फर्स्ट टाइम गर्ल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें से 26 गर्ल्स हैं, इट्स ए रिकॉर्ड। सैनिक स्कूल बनाम आरपीएस स्कूल करोगे तो भी आपको रिटर्न में इतना डिफरेंस नजर आएगा कि यार वो लोग तो बने ही उसके लिए, और यहाँ पे तो नो डाउट वो लोग भी अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन हम अपना बताना चाहेंगे कि 110 की फिगर बहुत बड़ी फिगर है। और उसके बाद जो एसएसबी की तैयारी करवाई जाती है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एसएसबी की तैयारी, 4-5 टीम मेंबर्स होते हैं जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जो कमेटी के, जो इंटरव्यू कमेटी के लोग होते हैं, मेजर जनरल, सब सबकी एक टीम होती है। गर्ल्स स्टूडेंट्स को अलग से डिवाइड, अलग से एक बैच बनाया गया, उसके बाद बॉयज के दो बैचेस बनाए गए, 110 को 3 बैचेस में लेके ना, और हमने वर्चुअल और फिजिकली, एक्चुअल और वर्चुअल, उन बच्चों की एसएसबी की तैयारी करवा डाली, करवा डाली हमने। अब वो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, उनका एकेडमिक का भी लॉस नहीं हुआ और उनका एसएसबी में भी उनकी परफेक्शन आ गई, और सारा का सारा जो पेमेंट का काम है वो सारा का सारा स्कूल ने किया, पेरेंट्स की तरफ से कहीं कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं। और मैं सभी पेरेंट्स का और बच्चों का इस ओर ध्यान लेके जाना चाहूंगा कि आरपीएस का मतलब होता है नो ट्यूशन। महेंद्रगढ़ में एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, एक भी बच्चा। मैडम आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। एक भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता। 2012 में हम लोग रेवाड़ी पहुंचे तो 95% बच्चा प्लस वन प्लस टू का ट्यूशन पढ़ता था, आज 95% बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम कामयाब होते हैं, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्कूल में पढ़ना होता है। उसके बाद गुरुग्राम में तो 99% बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, सिक्स क्लास वाला भी, सेवन्थ क्लास वाला भी, आप लोगों के रिलेटिव्स होंगे, आप लोग भी कभी गुड़गांव में रहे होंगे, वहां पर भी हमने 3 इयर्स में सब कुछ पलट डाला। मैंने कहा अगर आपका बच्चा कहता है कि मेरे को तो केमिस्ट्री नहीं समझ में आती, मेरे को तो एसएसटी समझ में नहीं आती, आप सीधे स्कूल आ जाइए, स्कूल में मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से मिलिए, रू हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि भाई प्रिंसिपल से मिलने के लिए वो वेटिंग है, मैनेजमेंट तो कभी मिलती ही नहीं है, नो, आफ्टर स्कूल सब लोग अवेलेबल हैं हमारे, हम लोग। अगर बच्चा ये कहता है कि मेरे को पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस बच्चे की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, रेमेडियल क्लासेस स्कूल अपने लेवल पे करेगा, बच्चों को बसेस से 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस में बसेस ड्रॉप करके आएंगे इवनिंग में आफ्टर स्कूल। जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बाद ट्यूशन पे जा रहा है, बच्चा सेल्फ स्टडी तो बेचारा कर ही नहीं रहा, परफेक्शन आएगी सेल्फ स्टडी से, इंप्रूवमेंट आएगी सेल्फ स्टडी से, और जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा बात नहीं बनने वाली है। क्रिकेट की तरह ही लेते हैं हम लोग, अगर कोच ये बताता है कि आपको इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से खेलना है, और खिलाड़ी जाके मैदान में पसीना ही नहीं बहाएगा तो कहां से खिलाड़ी बन पाएगा।
वो गेम की बात है, ये पढ़ाई की बात है, यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस, हर वो अच्छा टीचर, बच्चा चाहेगा कि मेरे को तो मेडिकल में जाना है, पढ़े भाई आप मेडिकल की कोचिंग करें आप स्कूल में ही, कोचिंग इन द सेंस स्कूल में पढ़ाई, आप पढ़े IIT की, आप पढ़े क्लैट की, आप पढ़े कॉमर्स में CA की, उस फैकल्टी में दम होगा, वो उस लेवल पे पढ़ा पाएंगे। पूरे ग्रुप में टेस्ट सीरीज चलती है हमारे यहाँ, एक प्लानर आता है, बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, सारे रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं, और पेरेंट्स को अपने बच्चे का ये पता होता है कि मेरा बच्चा पूरे ग्रुप में स्टैंड कहाँ कर रहा है। आप लोग देख पाने की स्थिति में होंगे कि यार मेरा बच्चा 10th नंबर पे है, 100 नंबर रैंक पे है, 200 रैंक पे है, आप लोग देख पाएंगे, और आप लोग ये भी जज कर पाएंगे कि किस स्कूल का बच्चा टॉप कर रहा है, किस स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। हम सबके सामने पूरी एक्चुअल रिपोर्ट होगी, हम अपने टीचर से डिस्कस कर पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे फोन पे, मेरे टैब में, अब जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ ये मेरा टैब है, इसमें मेरा हर वो डेटा है 6th क्लास से +2 तक का, हर स्कूल के बारे में मेरे को पता है कि किस स्कूल का क्या रिजल्ट है, किस क्लास का, कौन सी क्लास किस स्कूल की बेस्ट है। तो आप लोग एनालाइज कर पाएंगे, और वो भी सबसे अच्छी बात यह कि आपके बच्चे को बाहर ट्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, 0.1% भी नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे में ग्रोथ ही नहीं हो पाती, बेचारा पहले तो स्कूल चला जाता है, उसके बाद ट्यूशन चला जाता है, शाम को आता है थक हार के ना, खाना खा के ना, 1-2 घंटा पढ़ता है और सो जाता है, फिजिकली ग्रोथ ही खत्म हो रही है, बच्चे को खेलने का टाइम नहीं मिल पा रहा। इन सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा आप लोगों को। जितनी भी ये बातें मैं बता रहा हूं, आप मेरी बातों के ऊपर बिलीव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं सारी अच्छी बातें बताऊंगा आप लोगों को। कोई आदमी अपनी खराब बात बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा, सब अच्छी बातें बताएंगे। अब वो आप लोगों का होमवर्क है कि ये महेंद्रगढ़ में कैसा चला रहे हैं, ये रेवाड़ी में कैसा चला रहे हैं, ये गुरुग्राम में कैसा चला रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके आपके फ्रेंड सर्किल के लोग। हाँ एक बात तो, मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो 10 के 10 लोग ये बोलेंगे कि आंख बंद करके अपने बच्चों को RPS के हवाले कर दो, ये भी गारंटी है। ये विश्वास मेहनत से आया हुआ है, ये भरोसा लोगों का हमने जीता हुआ है, तब हम इतने कॉन्फिडेंट होके ना बोल सकते हैं कि आप पूछें, आप और पूछना भी चाहिए। बच्चे की 1 साल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें। प्रोडक्ट दोबारा बनाया जा सकता है, कोई चीज खराब होगी उसको बनाया जा सकता है, कोई चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन बच्चे का 1 साल लाइफ का लौटाया नहीं जा सकता। और 21वीं सदी के हम लोग सब पेरेंट्स और बच्चे, हमें तो स्मार्ट होना ही चाहिए, आंख बंद करके तो हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो अक्सर बच्चों से कहता हूं, बच्चों 0.1% भी कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप बताएं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। आने वाला समय सचमुच में हमारे बच्चों का है, हिंदुस्तान का है, हर फील्ड में हमारे बच्चे कमाल कर रहे हैं। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में 7 के ऊपर, जो सबसे बड़ी पोस्ट है उनके ऊपर, 7 पोजीशंस के ऊपर हिंदुस्तानी है। हम सब जान रहे हैं हिंदुस्तानी का मतलब है कि जबरदस्त तरीके का जुनून उस आदमी में। और सच्चाई है कि आने वाला फ्यूचर आप लोगों का है बच्चों, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, CBSE का सिस्टम, NCERT का सिस्टम, कॉम्पिटिटिव लेवल का सिस्टम, सब कुछ आपको एक कैंपस में मिलेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा बाहर आप लोगों को। और फिर आप लोग जज कर पाओगे कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो।
आदमी का नाम होता है काम से, मेहनत से नाम होता है। और बच्चों मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मोटिवेशन से जो बच्चा जीनियस बनता है वो 1% मोटिवेशन काम आता है, 1% ही मोटिवेशन काम आता है, 99% मेहनत काम आती है, तब बच्चा जीनियस बनता है। और ये बच्चे बच्चे के लिए नहीं, ये हम सब लोगों के लिए ये मेथड यूज होता है, हम सब के ऊपर ये चीजें यूज होती हैं कि मेहनत के दम के ऊपर बड़ा सा बड़ा युद्ध जीता गया है, मेहनत के दम के ऊपर बड़ा सा बड़ा रैंक लेके आया गया है, और मेहनत के दम के ऊपर आदमी इज्जत पैसा शोहरत सब कुछ कमाता है। तो हम लोग एकेडमिक में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा बस मैं एक। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। राइट सर, राइट सर, थैंक यू, थैंक यू। एकेडमिक में आप लोग सचमुच में गर्व करोगे कि यार बहुत अच्छा सर करवा रहे हैं, और एक कंप्लीट स्कूल एकेडमिक को लेके, कॉम्पिटिटिव को लेके ना, एक कंप्लीट स्कूल आपके बच्चों को मिल रहा है। अब हम चलते हैं कि और इसके अलावा क्या हम लोग फॉरेन लैंग्वेजेस भी दे रहे हैं, फ्रेंच, जैपनीज सब दे रहे हैं, ग्लोबल एक्सपोजर भी दे रहे हैं हम लोग। अब मैं बताऊंगा वन टू वन करके ना, आपको आपको भरोसा होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग टीचिंग कम्युनिटी के होंगे, पुलिस पर्संस होंगे, बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, आपस में आप लोगों के विचार मिलना जुलना आपस में रहता होगा, साउथ हरियाणा का और मिड और नॉर्थ हरियाणा का। अपने विचार जरूर शेयर करें और इलाके को जरूर अवेयर करें। अगर इलाका अवेयर है तो देश अवेयर है, और देश अवेयर है तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जो अच्छी चीज है उसको बांटे, हम लोग जरूर लोगों तक मैसेज दें। मैं ग्लोबल एक्सपोजर की बात कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हर साल बाल भवन के प्रोग्राम्स करवाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर वो जोनल लेवल पे होता है, फिर वो स्टेट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, पानीपत, सोनीपत, इस तरीके से। उसमें 40 के करीब इवेंट्स होते हैं, रंगोली का, स्पीच का, डिबेट का, डांस का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, 40 के करीब इवेंट्स होते हैं। स्कूल का सबसे बेस्ट बच्चा पहुंचता है वहां पे। आप लोगों को जानकर बड़ा गर्व होगा कि पिछले 5 सालों से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में ओवरऑल चैंपियनशिप आरपीएस उठा रहा है। गुरुग्राम में पहली बार इस बार ओवरऑल चैंपियनशिप उठाई। ओवरऑल चैंपियनशिप का मतलब है कि सबसे ज्यादा प्राइजेस जीतने वाला स्कूल। उसके बाद जोनल लेवल पे होता है, फिर वो स्टेट लेवल पे होता है। 2 साल पहले एक्चुअल जब हुआ था, फिजिकली जब हुआ था, केओडी में हुआ था, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, गुरुग्राम में, एक बहुत अच्छा स्थान है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको रेंट पे लिया कुछ दिन के लिए। पूरे हरियाणा के धुरंधर खिलाड़ी, धुरंधर बच्चे वहां पर पहुंचे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने अपने जोनल लेवल के बेस्ट बच्चे वहां पर पहुंचे। और आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि पिछले 5 सालों से फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर पर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रह रहा है हरियाणा में, कल्चरल इवेंट्स में। एकेडमिक की तो मैं बात ही कर ही रहा था, वहां पे तो कोई नजदीकी नहीं है, मैं कल्चरल इवेंट्स की भी बात कर रहा हूं आप। और उसमें से 80% पे आरपीएस है दोनों डिस्ट्रिक्ट में। आरपीएस के कारण डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, आरपीएस के कारण डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, और आरपीएस के कारण डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड नंबर पर पहुंचे। हमने वर्चुअल पे भी कमाल का काम किया, वर्चुअल पर भी हम लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर पर बने हुए हैं, हम लोग इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी और डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़।
हमने वर्चुअल को भी अपना सबसे मजबूत हथियार बना लिया, इसी पे एग्जाम लेना, इसी पे सब कुछ करना, क्लासेस, और सबसे आज तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आज तक के सबसे बेस्ट, सोचें आप लोग। तो कल्चरल्स में भी बहुत बढ़िया से बच्चे कर रहे हैं, एकेडमिक में भी बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं। अब आपका ध्यान मैं स्पोर्ट्स के ऊपर भी लेके जाना चाहूंगा। एक कंप्लीट स्कूल की डेफिनेशन तो वही होती है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल सबसे फेमस गेम है, सबसे पॉपुलर गेम है। फुटबॉल में आरपीएस महेंद्रगढ़ पिछले 10 सालों से सीबीएसई क्लस्टर में एक नंबर पर बना हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट 5 टीमों में से एक टीम आरपीएस महेंद्रगढ़ की है। फुटबॉल में गुरुग्राम में, मैं अभी गुरुग्राम से ही बोल रहा हूं, गुरुग्राम में बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं। बार्सिलोना से कोची जाते हैं, ब्राजील से, अर्जेंटीना से कोची जाते हैं। मेहनत से बात बनती है, कोचिज तो कहीं से भी ले आओ। वो कहते हैं कि यू नीड द राइट पीपल, नॉट द बेस्ट पीपल। उन सबको हराते हुए और हिंदुस्तान लेवल पर बेस्ट 5 में आना बहुत बड़ी बात है। आप बात करें हॉकी की, आप बात करें बास्केटबॉल की, आप करें बात लॉन टेनिस की, बैडमिंटन की, टीटी की, हर गेम में आरपीएस पार्टिसिपेट करता है। और मैं तो प्रिंसिपल से एक बात बोलता हूं सभी से, सारे स्कूल एक एक गेम उठा लो अपना बेस्ट, और जब सीबीएसई क्लस्टर में जब फाइनल मैच हो तो हर गेम में आरपीएस हो, हर गेम में आरपीएस फाइनल में हो। एक गेम तो एक स्कूल ले ही सकता है, अपना बेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप लोग ये पाओगे कि स्टेट लेवल पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी गेम्स में भी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गेम्स में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट स्कूल आप लोगों के सामने है। रूपा मैडम, प्रिंसिपल और हम आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कहीं पर भी किसी के भी कुछ भी डाउट्स हैं, 24 आवर्स हम लोग वहां पर हैं। अच्छा रहेगा कि स्कूल के बाद, जैसे स्कूल 3 o'clock तक ऑफ होता है, उसके बाद 3 to 4, 5, 6, 7 कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी आफ्टर ऑफिस अपना आ सकता है। हम आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल हैं। और मेरी तो थ्योरी एक और है, जिस भी स्कूल में जाओ वहां पे सबको सुला के वहां से चलो कि भाई अब कोई नहीं आने वाला, अब चलते यहां से। और सच्चाई है कि बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स मिलके अगर काम करेंगे तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अच्छा टीचर है, अच्छा बच्चा, करनाल में सारे बच्चे अच्छे हैं, और करनाल में नहीं पूरे वर्ल्ड में सारे बच्चे अच्छे हैं। और मैं तो बच्चों को भी एक बात बोलना चाहूंगा, बच्चों आप इस संसार के सबसे बेस्ट बच्चे हैं, ये बात अपने जहन में डाल लें। आज कोई बच्चा किसी फील्ड में नाम कमा रहा है, कोई बच्चा किसी फील्ड में नाम कमा रहा है, कोई बच्चा किसी फील्ड में नाम कमा रहा है। आदमी संसार में नाम कमाने के लिए आया है। आप किसी भी फील्ड में चल के ना आगे नाम कमा सकते हैं। हो सकता है आपका मैथ्स वीक है, हो सकता है आपकी इंग्लिश वीक है, उससे डरे ना, उससे भागे ना, उसके साथ काम करें, डटकर उसका मुकाबला करें, और प्रैक्टिस से अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर काबू पाया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है लियोन मेसी का, बेस्ट फुटबॉलर है। बचपन में टांगे बड़ी कमजोर थी, डॉक्टर्स ने कहा कि आपको तो प्रॉब्लम है। मम्मी पापा बड़े परेशान हो गए, यार इसका तो 100 की फुटबॉल है और ये इसकी तो लेग्स इसके तो वीक है, कैसे बात बनेगी। लेकिन वो जिद्दी लड़का था, जबरदस्त मेहनत की, और जो सबसे कमजोर पार्ट उसका शरीर का था, उस आदमी ने प्रैक्टिस से अपना सबसे मजबूत हथियार बना लिया। जो सबसे वीक पार्ट था अब सबसे मजबूत पार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस संसार का हर बच्चा अच्छा है, बस सोचने की जरूरत है,
और लगने की जरूरत है। हम सोच लेंगे, हम लग जाएंगे तो आने वाला समय हमारा होगा, ये दावे से बोल रहा हूं मैं। करनाल में अब सपोज कल क्या हुआ, कल एक टीचर, दो टीचर्स ऑफ, मतलब उनको उनको कोई वर्क हो गया, वो ऑन लीव थे। हमने और रूपा मैडम ने दोनों ने फटाफट फटाफट महेंद्रगढ़ नारनौल से और धारवाड़ आरपीएस से टीचर्स को ज्वाइन करवाया और उनकी एक्स्ट्रा उनकी क्लासेस लगवा दी हमने। मतलब कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ट्रांसफर पॉलिसी है, आप लोगों में से कोई गुरुग्राम आना चाहता है, कोई रेवाड़ी आना चाहता है, तो इस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी में भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो एक बात और बोलूंगा कि नाम के ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, नाम से बात नहीं बनने वाली, काम से बात बनने वाली है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन रिजल्ट्स के मामले में आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि यार कोई नजदीक भी नहीं है। और आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द सेशन हमें तो रिजल्ट चाहिए बच्चों के, और ये सब पेरेंट्स को चाहिए भाई। तो मैं आप लोगों से ये वादा करना चाहता हूं कि आप लोगों को सचमुच में बड़ा गर्व होगा, बड़ा अच्छा फील करेंगे। अपना मानना है एक अच्छा बच्चा तब बनता है उसके अंदर संस्कार अच्छे होते हैं। और आरपीएस की खासियत है कि अच्छे संस्कारी बच्चे बना के ना सोसाइटी में भेजता है, अच्छा डिसिप्लिन्ड बच्चा बना के ना भेजता है सफलता के लिए, चाहे वो घर पे सफलता हो, चाहे वो गेम में सफलता हो, चाहे टीम में सफलता हो। सफलता का रास्ता डिसिप्लिन के अंदर से होके जाता है, अनुशासन के अंदर से होके जाता है, और वो आपको मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कंप्लीट स्कूल आपके शहर में आ गया, सारे स्कूल्स अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं। एक स्कूल की फीस ज्यादा है, इसका मतलब वो ये बात नहीं है कि वो स्कूल अच्छा है। एक स्कूल की फीस कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल खराब है। अच्छा और खराब तो रिजल्ट से है भाई। सब लोग अच्छे हैं, कोई बहुत अच्छे हैं, कोई अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है। आज इस संसार में कोई बच्चा वीक नहीं है, कोई बच्चा कमजोर नहीं है। एक बच्चा बहुत अच्छा कर, एक बच्चा थोड़ा सा कम अच्छा कर रहा है, बस कर अच्छा ही रहा है। वो कहते ना कि जब दो बच्चे आपस में कंपटीशन फाइट करते हैं, दो टीमें खेलती हैं, तो एक जीतती है, एक बच्चा जीतता है और एक बच्चा सीखता है, हारता कोई नहीं है, हारता कोई नहीं है। तो बच्चों लाइफ भर सीखना है, लाइफ भर सीखना है। सीखने की जिद बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट तक ना छोड़ें। आज हमारी मम्मा पिछले 20 सालों से हमारे लिए खाना बना रही है, और आज भी कभी नमक फालतू गिर जाता है, कभी मिर्च ज्यादा गिर जाती है, वहां पर भी परफेक्शन नहीं है, क्योंकि सीखने का तो लाइफ भर का काम है। और गलती सभी से होगी, हम भी, हमसे भी होगी, सबसे होती है, लेकिन वो रिपीट ना हो, वो बच्चा होना चाहिए, वो टीचर होना चाहिए, वो सोसाइटी होनी चाहिए। इस ईयर में हमें अपना एक विजन लेना है, हमें एक टारगेट लेना है कि इस टारगेट को हमें अचीव करना है, और वो टारगेट बेशक से बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए हमें लग जाना है। बच्चों हम और पेरेंट्स आपके उस टारगेट के लिए बने हैं, साथ देने के लिए बने हैं। हम आपके साथ राइट और लेफ्ट लग के ना आपका जो टारगेट होगा हम उसको दिलवाने में कामयाब होंगे, और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सके सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए और देश के लिए, कामयाब बच्चा बना सके। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, और आने वाला समय आप लोगों का हो, इस विजन के साथ हम लोग काम करेंगे। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा
आप लोग मंडे टू सैटरडे कभी भी स्कूल में आके ना किसी भी चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि 3 बजे के बाद आएं, तो जिससे कि हम स्कूल टाइम में स्कूल को संभाल लें, बच्चों को संभाल लें, और आफ्टर स्कूल हम लोग बैठ के ना डिस्कशन कर लें किसी भी पॉइंट को लेके ना। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी सोच और इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ते चलें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Thank you, Manish ji. Thank you so much. I think let's all give a round of applause and appreciation and our gratitude to our CEO of RPS Group of Schools. I have been working with Manish ji for the last 10 days, and I can say that I am so blessed to be guided by a correct vision. And that vision is very rare. And we at Karnal, I think we will see as time goes by, that how right we were in being part of this great group of schools and this great vision, where our children will actually benefit from all the from academics, co-curricular activities, sports, and above all to be a very strong, resilient human being with a lot of substance. Thank you, Manish ji, for taking out some time, and our regards to Dr. O.P. Yadav also. And I'm sure on another occasion we will have we'll have the pleasure of interacting with him. Thank you so much, Manish ji, and thank you, dear parents, ladies and gentlemen, and children for coming here. So for one last time, let us all give a round of applause to ourselves as we celebrate this new journey as we go forward. God bless all of us, and God bless all of you. Thank you, Manish ji.